दोस्तों आज आपको बताया जाएगा कि 13 नंबर कितना लकी होता है और कितना अनलकी होता है। तू जानता है? मुझे नहीं जानता, इतना बता दू बस। मैं नहीं जानता कि 13 नंबर लकी कितना तगड़ा हो सकता है। 13 नंबर मानना शुरू कर दिया तो भारत देश के अंदर आपका नाम हो जाएगा। आगे छोटे बुला के ला। बेटा बैठ जा, बैठ रहा हूँ। दोस्तों आज मेरा प्यारा भाई इंदर भाई राज खोलेगा कि 13 नंबर आपको पसंद करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में। दोस्तों आज आपको बताया जाएगा कि 13 नंबर कितना लकी होता है और कितना अनलकी होता है। भारत देश में आज तक किसी ने नहीं बताया कि 13 नंबर कितना लकी है और कितना अनलकी है। तू जानता है? मुझे नहीं जानता, इतना बता दू बस। मैं नहीं जानता। दोस्तों 13 नंबर को लोग लकी क्यों नहीं मानते और क्यों मानते हैं? आपने देखा होगा विदेशों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर लिफ्ट के अंदर 13 नंबर नहीं होता, 13 नंबर किताबों में नहीं होता। मैं कह रहा हूं 13 नंबर को पसंद नहीं करते। 13 नंबर क्यों नहीं पसंद करते, 13 नंबर लकी क्यों नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा आज। भारत देश के अंदर ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि 13 नंबर लकी कितना तगड़ा हो सकता है। कुछ लोग डरते हैं, आज कुछ लोगों का डर खत्म होने जा रहा है। 13 नंबर आप मानना शुरू कर दो, 13 नंबर मानना शुरू कर दिया तो भारत देश के अंदर आपका नाम हो जाएगा। आपके अंदर मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी शक्ति आ जाएगी, आप कामयाब हो जाओगे और भारत देश के अंदर आपका डंका बच जाएगा। मोहित आगे छोटे बुला के ला। दोस्तों एक मेरे सरदार भाई हैं जो बताएंगे आपको 13 नंबर के बारे में कि 13 नंबर लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे, कितनी बड़ी वो गलती कर रहे हैं। अब बात करेंगे मेरे प्यारे भाई से, इंदर भाई से, सरदार जी से। जी नमस्कार भाजी, ठीक हो भाजी? बेटा बैठ जा, बैठ रहा हूँ। दोस्तों आज मेरा प्यारा भाई इंदर भाई राज खोलेगा कि 13 नंबर आपको पसंद करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। 13 नंबर का खौफ पूरे भारत में फैला हुआ है, लेकिन आप 13 नंबर को एक बार पसंद कर लोगे, लॉकेट बनवा लोगे, चैन बनवा लोगे 13 नंबर की, तो तहलका भाई और इंदर भाई वादा कर रहे हैं आपसे, तहलका मच जाएगा आपके जीवन के अंदर। छोटे मेरी बात सुन बेटा, तू डरता था 13 नंबर से, डरता था ना? आज तू नहीं डरेगा बेटा, तू डरता रहा। मोहित मैं भी डरता था पर आज नहीं डरूंगा मैं। ठीक है भाई, ये बताओ मेरे को, भारत देश के अंदर लोग घबराते थे कि 13 नंबर हम पसंद नहीं करेंगे, लिफ्ट में भी 13 नंबर नहीं होगा, हमारे मोबाइल में भी 13 नंबर नहीं होगा, हमारे किताबों में 13 नंबर नहीं होगा, हम 13 नंबर से दूर भागेंगे। लेकिन बाजी सरदार भाई पूरे भारत देश के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में 13 नंबर को पसंद करते हैं। बिल्कुल बाजी, इसके पीछे राज बताओ और तहलका मचाओ, बता दो इसके पीछे बाजी ये राज है। देखो फॉरनर जो जितने भी लोग होते हैं ना, वो 13 नंबर को मानते हैं अनलकी या शुभ। जो जितने भी होटल्स होते हैं बाहर के, कई फ्लाइट्स कंपनियां जैसे अपनी एयरलाइंस कंपनी है, वो क्या करती हैं उसमें 13 नंबर की जो सीट्स होती है उसको स्किप कर देती हैं। और होटल्स में भी आप कई बार देखोगे कि 13 नंबर का रूम नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि जब पुराने टाइम में फांसी दी जाती थी तो जो स्टेप चढ़ के बंदा जाता है ना फांसी वाली जगह पर, तो वहां पे 13 स्टेप्स होते थे। कहने का मतलब 13 स्टेप्स के बाद, 13 की गिनती के बाद जिंदगी खत्म उसकी। जो सिखों में जो होता है वो 13 नंबर को बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है, बहुत ज्यादा लकी। इसका रीजन ये है कि सिखों के जो पहले जो गुरु थे, गुरु नानक देव जी, वो कोई उस टाइम पे काम नहीं कर रहे थे, तो उनके पापा थे, पिताजी थे जो मेहता कालू जी, उनको थोड़ी टेंशन रहती थी कि मेरा बेटा कोई काम नहीं करता तो इसका कैसे आगे गुजारा होगा। तो राय बुलार जी एक थे, उनके मित्र थे, उन्होंने उनके पापा को सलाह दी कि आप अपने बेटे को अपने उनकी बहन के पास, नानकी जी के पास भेज दो, जो उनके जो हस्बैंड हैं वो वहाँ नवाब जी के वहाँ पे काम करते थे, तो वो कोई ना कोई उनको काम दिलवा देंगे। तो वो वहाँ चले गए गुरु नानक देव जी वहाँ पे उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उन नवाब के साथ मिलवाया तो उनको जब पता लगा कि ये फारसी भी जानते हैं लैंग्वेज को, तो उन्होंने उनको हिसाब का काम दिया, मोदी खाना जो होता है जहाँ पे सारा राशन दिया जाता है लोगों को पुराने टाइम में, तो उनकी ड्यूटी उन्होंने वहां पे लगा दी। अब बात ऐसी थी कि भाजी जब भी वो राशन तोलते, जब भी कोई राशन लेने आता, वो राशन तोलते थे ना जब, तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो राशन तोड़ रहे थे, जब वो गिनती कर रहे थे, एक जैसे ऐसे डालते हैं अपन तराजू में, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते जब वो 13 पर पहुंचे ना, तो पंजाबी में बोलते हैं लिव लगना और हिंदी में बोल देते हैं कि उनकी भगवान के साथ जुड़ गई, मतलब कह लो तारे जुड़ गई या उनका साधना जुड़ गई उनकी, है ना। तो 13 के बाद वो जब डाल रहे थे तो 13 13, और जो हिंदी में बोला जाता है 13 और पंजाबी में बोला जाता है 13 को 13 13 का मीन्स 13। तो 13 के बाद वो ऐसे ही डालते गए 13 13 की, मतलब ये सब रब का है, ये 13 से आगे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 13 13 ऐसे करके डालते जाते,
अब ऐसे क्या होता है कि ऐसे ऐसे ज्यादा ग्राहक आने लग गए उनके पास, क्योंकि उनको सामान ज्यादा मिल रहा था, क्योंकि वो 13 के बाद गिनती नहीं कर रहे थे, वो डाल के जाते थे। अब क्या हुआ, कुछ साधु संत लोग भी आने लग गए जिनको खाना नहीं मिलता था, भूखे होते थे, तो वो आते थे, उनको खाना भी दे देते थे अपनी तरफ से, अपनी कमाई में से वो उनको खाना भी खिलाते होते थे। तो एक दिन नवाब जी को, उनके पिताजी को, गुनादेव जी के पिताजी को किसी ने ऐसे शिकायत कर दी कि आपका बेटा ऐसे ऐसे मतलब तेरा तेरा करता है, ऐसे तो हिसाब में गड़बड़ी आएगी एक ना एक दिन, जब नवाब अपना हिसाब लेगा एक महीने बाद दो महीने बाद, तो इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी आएगी। तो उन्होंने, वो आए वहां पे, उन्होंने उनसे पूछा, नवाब ने जब 3 महीने बाद हिसाब लिया ना, तो वो हिसाब आप मानोगे नहीं कि नुकसान की जगह ना उस नवाब को फायदा हुआ। अब ये आप कह लो कि भगवान की कृपा थी उस टाइम कि उसको फायदा हुआ, इस वजह से 13-13 नंबर, लोग भी बहुत खुश थे वहां के समाज वाले कि ऐसा एक मतलब आया है हमारे में इंसान जो भगवान के साथ इतना जुड़ा हुआ है, बुजुर्गों की सेवा करता है, साधुओं की सेवा करता है, लोगों के साथ भी उनको खाना एक्स्ट्रा ही देता है 13-13 करके। तो इस बात से लोग भी बहुत खुश थे, नवाब तो ऑब्वियसली खुश ही था क्योंकि उसका फायदा भी हो रहा था। तो इस वजह से भाई 13 नंबर जो है उसको, सिख जो लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, वो 13 नंबर को बहुत ही ज्यादा लकी मानते हैं, ठीक है। और हर गाड़ियों के नंबर में, फोन्स नंबर में, हर चीज को गले में लॉकेट वगैरह डाला होगा ना आप कहीं देखोगे तो 13-13-13 का मतलब 13-13 भगवान का ही है सब कुछ, जो भी दिया भगवान ने उसी का ही है ये, उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो ये जो मेन रीजन था, सिख जो 13 नंबर को जो लकी मानते हैं उसका मेन रीजन ये है। और भगवान और गुरु नानक देव जी ने इस चीज से, इस कहानी से ये मैसेज दिया था कि अपनी कमाई में से जितना भी आप कमाई करते हो उसका 10% हिस्सा और आपको गरीबों में बांटना चाहिए, या मंदिर गुरुद्वारे या जहां भी आपकी श्रद्धा है वहां पे उनको दान देना चाहिए और गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए, अपने जो आपकी कमाई है उसमें से जरूर आपको भूखे लोगों को खाना भी खिलाना चाहिए। ये उनका एक मेन मोटिव मैसेज था उनका। अमेरिका में स्टीव जॉब्स हैं, इन्होंने आईफोन बनाए हैं, तो इन्होंने आईफोन 8 बना दिया, इसके बाद सीधा 10 बनाया, तो इन्होंने 9 को ब्लॉक रख रखा था कि 9 नंबर अनलकी मानते हैं वो लोग, लेकिन आईफोन 13 उन्होंने लॉन्च करा, ऐसा क्यों? और ये बात, ये भाई बहुत बड़ी बात है, तो क्योंकि आईफोन 13 है, 9 नहीं आया अभी तक, शायद वो इस चीजों में नहीं बिलीव करते हो। वो अलग अलग वो निकालना क्योंकि जो जितने भी आप बड़ी बात बताई छोटे ने, आईफोन 9 मैंने भी नोटिस नहीं करा था, ये बताओ लास्ट एक मेरा सवाल है, इतनी सेवा होती है गुरुद्वारे में, लंगर 24 घंटे चलता है, ये शुरुआत कैसे हुई थी पाजी? इस चीज की शुरुआत पाजी भेदभाव खत्म करने के लिए हुई थी, अभी आप गलत चीजें है ना समाज में वो खत्म हो जाए। सबसे आप गुरुद्वारे में जाते हो, आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, आप जाओगे गुरुद्वारे में कोई VIP लाइन नहीं होती, सबसे पहली बात, आप जाओगे तो आपसे, आप जब लाइन में दर्शन के लिए लगोगे ना, आपको नहीं पता आपके आगे कोई रिक्शे वाला खड़ा हो, ठीक है, आप उसका टच भी हो रहे होगे। फिर आप जब लंगर खाने जाओगे, प्रसादा छकने जाओगे, रोटी खाने जाओगे गुरुद्वारे में, आप जब नीचे बैठोगे, सबसे मेन बात वहां पे टेबल सिस्टम नहीं होता, वहां आप नीचे बैठोगे, आपके साथ उस टाइम कौन बैठ के खाना खा रहा है ये आपको नहीं पता, भेदभाव नहीं होना चाहिए साथ। मेन मकसद यही था भेदभाव, और एक जो गरीब बंदों को खाना मिल जाए, गरीब बंदा भूखा ना सोए कभी रात को, पूरे भारत देश में बाहर की कंट्रीज में भी गुरुद्वारे हैं, वहां पे भी लंगर चलता है 24 घंटे। हाँ जी, 24 घंटे लंगर चलता है, और आप वो 20 रुपए से ही, वो 13-13 से ही ना ये लंगर अभी तक, वो कह लो हमारे सिखों में कहते हैं कि उस 20 रुपए का अभी तक ब्याज मिल रहा है हमको, जो 20 रुपए गुरु नानक देव जी को उनके पापा ने दिए थे कि तू जा कोई बेटा बिजनेस कर, कोई धंधा कर, तू वेला रहता है, वो कह लो कि हमारे में कहते हैं कि उस 20 रुपए का ब्याज अभी तक आ रहा है कि अभी तक लंगर चलता जा रहा है, और ये चलता ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। आप कोविड में देख लो, कभी भी जब भी देश में दुनिया में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आई है तो खाना हमेशा पहुंचा है गुरुद्वारे की तरफ से। मेरा प्यारा भाई था, इसने उम्र बहुत कम है और इतना ज्ञान लेके बैठा है, छोटा मेरा अलवर में रहता है,
छोटे को बेशुमार प्यार देना, लेकिन मोहित तेरे बात का जवाब जनता से लूंगा भाई मैं कि आईफोन 9 आज तक नहीं आया, इसके पीछे को बड़ा रीजन है। बिल्कुल, कमेंट करके जरूर बताना भाइयों कि आईफोन 9 अभी तक क्यों नहीं लॉन्च करा है। बहुत बढ़िया, ये क्यूरियोसिटी जगा दी है हमारे अंदर, जिज्ञासा है कि ये 9 क्यों नहीं आया था। ये बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत दिया। बेटा कैसा लगा प्यारा सा भैया ने जो मैसेज दिया, बढ़िया लगा ना बेटा? हम इतना चिल्ला रहे थे तो भाई जी ने एकदम शांत करके सारी चीजें बता दी, तो हमारी जुबान भी एकदम से थोड़ी शांत हो गई है जैसे भाई ने बताया। बहुत बढ़िया, रविंदर पाजी आपसे ज्ञान लेते रहेंगे, बहुत प्यारा मैसेज देते हो जब भी आप इनसे मिलने आते हो, तो छोटे भाई को प्यार दो, वीडियो को दबा के शेयर मारना। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मेरे प्यारे भाई का चैनल भी है, छोटे भाई बता दे। भैया मेरे चैनल का नाम है स्मॉल टाउन जट, एक छोटे शहर एक छोटे कस्बे का जट, ठीक है। सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, भाई के पास बहुत सारी ऐसी ताकत है, मतलब इनकी हिस्ट्री इतनी ज्यादा घुसी हुई है इनके दिल दिमाग में, आपने जो भी कुछ पूछना हो छोटे भाई को मैसेज। भाई मेरा जो मेन चैनल है वो, मैं एक ऑडियंस को एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरा यूट्यूब से कोई नाता नहीं था, सन्नी पाजी से मैं मिला था 2019 में, पाजी 2019 में मिला था पाजी के, उस टाइम मेरे ख्याल से 5 लाख सब्सक्राइबर थे, ठीक है। ऐसा दिल मिला इनके साथ, इन्होंने मुझे बोला पाजी आपका चैनल नहीं है, मैं कह नहीं है पाजी, कहता आप चैनल बनाओ ना, मैं कह पाजी मुझे तो कुछ ABCD नहीं आती यूट्यूब की, कह रहा है आपका बड़ा भाई बैठा है सपोर्ट करेगा, बोलो। पाजी ने ऐसी सपोर्ट की, हालांकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाया उस टाइम पे, मेरा थोड़ा बिजनेस के रिलेटेड थोड़ा काम उस तरह का सेटल नहीं था, अब जाके भगवान की कृपा से ऊपर वाले की कृपा से काम सेट हुआ है, तो अब पूरा फोकस कर रहे हैं। मेरा चैनल है स्मॉल टाउन जट के नाम से, और अलवर की, मैं अलवर से हूँ, अलवर से बिलोंग करता हूँ, अलवर की जनता तेलका भाई को इतनी प्यार करती है ना, मैं कह नहीं सकता, और सपोर्ट करो पाजी, आगे से आगे जाएंगे, अलवर में जल्दी बुलाएंगे इनको, मीटअप करवाएंगे, जितने भी इनके फैन है सबसे मिलवाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तेलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तेलका मचाता है ये, तेलका मचाएगा।